कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने लिए सब डिवीजन गिदड़बाहा 27 जून शनिवार सवेरे 5 बजे तो लेके मंगलवार 30 जून सवेरे 5 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रखा जाएगा। यह हुक्म डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहब वालों जारी किए गए हैं। जारी हुक्मों में खास तौर पर हुक्मों की सख्ती के साथ पालना करने की हिदायत की गई है। इस दे नाल ही आख्या गया है कि जेकर कोई लॉकडाउन के नियमों की उलंघना करता है तो उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दे नाल ही लॉकडाउन दौरान जेकर किसी को भी सेहत एमरजेंसी की जरूरत पैंदी है तो वह प्रशासन के नंबर 108-104 से संपर्क कर सकता है। इस दे अलावा डॉक्टरी स्टाफ को इस लॉकडाउन में छूट रहेगी और ई पास वाले भी आ जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस पंजाब में भी काल बनता जा रहा है। एक पास जिथे कोरोना के नवे मामलों में वाधा हो रहा है उत्ते ही कोरोना कारण रोजाना किसी ना किसी जिले च मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। जेकर गल की जाए जलंधर की तो जलंधर शहर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की गिनती 676 तक पहुँच चुकी है जबकि 19 लोगों को कोरोना खिलाफ जंग लड़ते हुए अपनी जान गवानी पई है। जलंधर शहर तो रोजाना 30 तो उपर मामले सामने आ रहे हैं जिस कारण जिथे सेहत महकमा और जिला प्रशासन चिंता के विच है उत्थे ही वधदे मामलों नूं लैके लोगों च भी सहम का माहौल पाया जा रहा है। कोरोना के वधदे मामलों नूं ध्यान में रखते हुए जलंधर के नवे बने डिप्टी कमिश्नर घमशान थोरी वालों सख्ती नाल अहम फैसला लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वालों सख्ती वरतते हुए जलंधर में कुछ इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन ऐलाने गए हैं जो कि पूरी तरह सील रहेंगे। समय समय से सेहत महकमे की रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में तब्दीली भी की जाएगी। यह फैसला सिविल सर्जन की रिपोर्ट को देखते हुए किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की लिस्ट में मोहिदरू मोहल्ला टीचर कलोनी गोपाल नगर फ्रेंड्स कलोनी मकसूदा रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया पिंड नागरा बेलगा सिद्धार्थ नगर सैनिक विहार उपकार नगर पुराना संतोखपुरा बांसावाला बाजार शामिल ने। इन इलाकों में 5 तो वधेरे पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने लिए सब डिवीजन गिदड़बाहा 27 जून शनिवार सवेरे 5 बजे तो लेके मंगलवार 30 जून सवेरे 5 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रखा जाएगा। यह हुक्म डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहब वालों जारी किए गए हैं। जारी हुक्मों में खास तौर पर हुक्मों की सख्ती के साथ पालना करने की हिदायत की गई है। इस दे नाल ही आख्या गया है कि जेकर कोई लॉकडाउन के नियमों की उलंघना करता है तो उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दे नाल ही लॉकडाउन दौरान जेकर किसी को भी सेहत एमरजेंसी की जरूरत पैंदी है तो वह प्रशासन के नंबर 108-104 से संपर्क कर सकता है। इस दे अलावा डॉक्टरी स्टाफ को इस लॉकडाउन में छूट रहेगी और ई पास वाले भी आ जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी।